क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अनुमंडलीय अस्पताल का बुरा हाल, मॉकड्रिल के समय नहीं चला ऑक्सीजन प्लांट, सीडीओ ने संबंधित कर्मचारियों को लगाई फटकार। कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त, भयंकर कोहरे से हो रही लोगों को परेशानी। कोहरे का फायदा उठाकर चोर करते हैं चोरी, मंदिरों में बढ़ रही मूर्ति की चोरी की घटनाएं। ठंड के कारण मतदान की रफ्तार पड़ी धीमी, मतदान केंद्रों पर कम संख्या में पहुंच रहे लोग। शराब माफियाओं के खिलाफ खोला मोर्चा, कई शराब की भट्टियों को किया ध्वस्त। मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। कोरोना को लेकर जहां स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, वहीं नरकटियागंज में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें, जिला स्वास्थ्य विभाग से सीडीओ टीएन प्रसाद अनुमंडली अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का मॉकड्रिल कराने पहुंचे, तो यहाँ ऑक्सीजन प्लांट नहीं चल पाया और सीडीओ श्री प्रसाद ने ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था को देखकर दंग रह गए। ऑक्सीजन प्लांट के कई वायर कटे मिले, जिस पर संबंधित कर्मियों को सीडीओ ने जमकर फटकार लगाई और 3 दिन के अंदर ठीक करने के निर्देश दिए। अभी तो हम लोग जो पीएसए प्लांट है, ये लोग बता रहे हैं कि 15-20 दिन से चूहा काट दिया था या कुत्ता जो भी काट दिया, वो काम नहीं कर रहा, जिसकी सूचना जिला को दे दिया गया है। और ज़िला में हम जाकर श्री सदन साहब से बात करेंगे कि जल्द से जल्द इसको ठीक करवाया जाए, ताकि कोई भी विपत्ति के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। मतलब नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट फेल है, अब इसको कैसे फेल करिएगा? तार काट दिया गया, नहीं लोग मैंने अभी चूँकि कोविड का समय शुरू हो गया, आज मौक दिल था, देखा गया तो आया इस तरह से, अब इसको ठीक करवाया जाएगा। दूसरी है कि एक और प्लांट है हमारा जो शुगर नीति द्वारा दिया गया है। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां के वाल्मीकि नगर, बगहा, रामनगर, नरकटियागंज समेत ग्रामीण क्षेत्रों में भी ठंड का असर बढ़ने से लोगों को परेशानी हो रही है और अचानक पारा गिरने से शीतलहर का कहर भी शुरू हो गया है। वहीं ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते नगर परिषद द्वारा ब्लॉक में कोई सुविधा नहीं दी गई है। ठंड है यहाँ पर, ये प्रांगण में इतना बार बार के लोग आ रहा है यहाँ पर काम कराने के लिए ब्लॉक में, यहाँ पर अभी तक यहाँ पर कोई अलाव का व्यवस्था नहीं है। बगल बगल के कागज लोग जला रहे, लोग कागज ताप रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं आप कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। यहाँ पर कोई भी नगर पंचायत से कोई लकड़ी उकड़ी यहाँ पर नहीं गिरा है जलाने के लिए। हम यही चाहेंगे लोग, यहाँ पर ज़्यादा ठंडा है तो लकड़ी उकड़ी थोड़ा सा यहाँ पर बरवाया जाए, थोड़ा सा हम लोग का ध्यान दिया जाए। हम अमित कुमार, ठंडा यहाँ पर बहुत काफ़ी लग रहा है, हम लोग आगे ताप रहे हैं, अभी सब जगह ठंडा गिरा है। खबर मधुबनी से है, जहां चोरों ने मधुबनी शहर के लहेरियागंज स्थित राम जानकी मंदिर और बुबना मंदिर के दान पेटी एवं मूर्तियों के
चांदी के मुकुट और लाखों रुपए लेकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया, जिसके बाद मामले का पता चलते ही हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। क्या हुआ मंदिर में, चोरी कैसे हुई है? ये मंदिर है लहजागंज श्री राम जानकी मंदिर। चोरी रात लमसम 1 बजे के बाद हुआ है, जो चांदी का मुकुट प्लस रुपया दान पेटी टूटा हुआ है, अलमीरा टूटा, गोदरेज भी टूटा हुआ है, जिसमें लाखों रुपया का चोरी हुआ है। मुकुट कितने चोरी हुए हैं? मुकुट 4 चोरी हुआ है, चारू भगवान का मुकुट था, प्लस दान पेटी में भी पैसा था जो 6 महीना से पैसा नहीं निकल रहा था, और गोदरेज में भी पैसा था जो कमिटी का पैसा है। समाज चोरी की घटना बढ़ रही है, ठंड बढ़ने के कारण अभी आप देखे होंगे 1 महीना के अंदर 3-4 मंदिर में मूर्ति का मुकुट, धन, गोदरेज का ताला तोड़ के चांदी का मुकुट सब चोरी हुई। अभी श्रीचंद मंदिर पर चोरी हुई थी, गोकुल मंदिर के पास वहाँ मंदिर है वहाँ पर चोरी हुई थी, बसवारा के मंदिर में बजरंग बली का मुकुट चोरी कर लिया गया था विश्वकर्मा। अभी लहरियागंज में रोड साइड में राम जानकी मंदिर है, उसमें 4 भगवान का चांदी का मुकुट का चोरी कर लेना और उसके बाद गोदरेज का ताला तोड़ के लाखों की क्षति होना, ये कहीं प्रशासन को। मंदिर में चोरी की घटना को लेकर आपको कब पता, जानकारी कब मिली? हमको जानकारी सुबह 5 बजे हुई जी। क्या क्या सामान इसमें से चोर? इसमें हम लोग का चांदी का मुकुट था, 4 मुकुट था, राम जी का, जानकी जी का और लक्ष्मण जी, हनुमान जी का 4 मुकुट, चांदी का मुकुट था, बहुत पुराना मुकुट था जो कि लमसम वह 1/2 किलो के वजन से ज्यादा का मुकुट था। अच्छा, 1/2 किलो के वजन से ज्यादा का मुकुट था जी। अच्छा, और क्या क्या? और हम लोग का माने गोदरेज है गर्भगृह में, उसको ताला तोड़ करके उसमें जो हम लोग का कमेटी का जो कैश हो गया। बताइए चोरी की जो घटना है आपको जानकारी कब मिली और क्या क्या चोरी? घटना जो है हम लोग को सुबह 5 बजे मिला, जो यहाँ पर एक चाय का दुकान करते हैं श्याम जी, वो चाय का दुकान खोलते हैं, उस समय उस मंदिर पर आए थे, देखे आगे का दरवाजा जो है टूटा खुला हुआ है, तो हम लोग को वो सूचना दिए, तो हम लोग आए तो देखे मंदिर पर ताला, मेन गेट का ताला खुला हुआ है, फिर भगवान का जो मंदिर का गेट का ताला वो भी टूटा हुआ है, गोदरेज जो है तो टूटा हुआ है, भगवान राम जानकी मंदिर का जो भी मुकुट था हनुमान जी का, रामचंद्र जी का, सीता जी का, लक्ष्मण जी का, वो भी जो है तो नहीं है। खबर मोतिहारी से है, जहां नगर निगम के चुनाव की प्रक्रिया काफी धीमी गति से जारी है और कड़ाके के ठंड के कारण मतदाताओं के आने का क्रम धीमा है और मतदान केंद्रों पर कम संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वहीं इस बीच जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम शीर्षत कपिल अशोक दल बल के साथ मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और कहा कि कड़ाके की ठंड के कारण मतदाताओं के निकलने के क्रम धीमे हैं। मौसम खुलने के साथ मतदाता मताधिकार का प्रयोग शुरू करेंगे। लोकतंत्र को जो है अपना वोटिंग राइट जो है मजबूत बनाता है और मोतिहारी नगर निकाय का जो चुनाव है इसमें क्योंकि मतदाता हम भी हैं तो इसलिए ये हमारा मतदान का हक हमने निभाया है, साथ ही शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है कि नहीं ये भी देखना था, तो निर्वाची पदाधिकारी जो DDC महोदय है यहाँ पर उपस्थित है और का वेदर थोड़ा सा एडवर्स है इसलिए थोड़े से लोगों के आने की फ्रिक्वेंसी कम है, लेकिन अभी जो समय है मैं अनुरोध करूँगा कि सब लोग खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां दूसरे चरण में नगर निगम चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण मतदान की प्रक्रिया की जा रही है और जगह जगह पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि 49 वार्डों के लिए 311 मतदान केंद्र है जहां मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं मॉडल बूथ तो कहीं पिंक बूथ बनाया गया है लेकिन सबसे ज्यादा वोटरों को ट्रेन वाली बूथ बनाई गई है जो लोगों को आकर्षित कर रही है। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रही। 5 मिनट भी रोड पर नहीं दिखता है। नहीं भी अभी नहीं। किस मुद्दे को लेकर वोट दे रहे हैं? किस मुद्दे को लेकर वोट दे रहे हैं? विकास को लेकर, नाला है, पानी है। किस मुद्दे को लेकर वोट दे रहे हैं? दे रहे वही जो विकास हो अच्छा से,
विकास के लिए। ठंड भी काफी है, ठंड बहुत ज्यादा है। नगर निगम में चुनाव जो चल रहे हैं उसके लिए कुछ आज नगर निगम में टोटल जो हमारा 49 वार्ड है, 49 वार्ड के अंतर्गत हम लोग मतदान की प्रक्रिया चल रही है, जो 5 बजे तक वोटिंग होगी। और 49 वार्ड के तहत हम लोग का 311 बूथ है। 311 बूथ पर एकदम शांतिपूर्ण चल रहा है, कहीं भी ईवीएम में भी खराबी की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। और सभी लोग अभी शुरुआत में चूंकि ठंड ज़्यादा है तो थोड़ा सा वोटिंग का परसेंटेज हम लोग का कम है, लेकिन जस्ट अब लगता है कि वोटिंग का परसेंटेज भी हम लोग का बढ़ेगा। सुरक्षा क्या है आपने? सुरक्षा हम लोग का 3 लेयर पे है। सबसे पहले सेक्टर दंडाधिकारी है, और सेक्टर दंडाधिकारी के बाद जोनल दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी और सुपर जोनल दंडाधिकारी। और जैसे ही भी कहीं भी किसी भी बूथ पे अगर मजिस्ट्रेट का शराबबंदी कानून को सफल बनाने व शत प्रतिशत लागू करने को लेकर अब उत्पाद विभाग भी कमर कस ली है, और उत्पाद विभाग द्वारा चेक पोस्ट बनाकर सभी वाहनों की तलाशी ली जा रही है। इसी कड़ी में गायघाट थाना अंतर्गत बेनीबाद ओपी क्षेत्र के रमौली चौक के पास मुजफ्फरपुर दरभंगा NH57 पर उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा ब्रेक चेक पोस्ट बनाकर वाहनों की जाँच शुरू की गयी। लग रहा है उसी के अनुसार हम लोग जांच करते हैं, जो भी गाड़ी इधर से उधर जा रही है उस पर शंका है कि उसे कुछ अवैध सामान लेकर आ रहा है। मतलब जिस वाहन पे जो है संदेह होता है उस वाहन का आप लोग जांच करते हैं? आगे भी अनुसंधान जारी है, अभी जैसे हम लोग जांच कर रहे हैं, अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, इसीलिए चेक पोस्ट हर जगह उपलब्ध है। चेक पोस्ट यहाँ मतलब उत्पाद का बना हुआ है? खबर नालंदा से है, जहां थाना क्षेत्र इलाके के पटेल नगर मतदान केंद्र संख्या 27 और पटेल नगर के बूथ संख्या 8 के पास दो प्रत्याशी के गुट एक दूसरे को ऊपर फर्जी वोट का आरोप लगाकर मारपीट शुरू कर दी, और इस दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही सदर DSP डॉक्टर सिबली नोमानी ने मोर्चा संभालते हुए तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझा कर मामले को शांत कराया। हम सूचना दी कि थोड़ा बहुत जो है वो आपस में मारपीट हुई है, तो हम लोग आगे देख रहे हैं, वोटिंग चल रही है, पीसफुली चल रही है, जैसा आपने देखा है 27-8 में देखिए, 27-1-2 में हम लोग देखने जा रहे हैं, ऐसी सभी जगहों पे हम लोग देखने जा रहे हैं। इलेक्शन शांतिपूर्वक चल रहा है, कहीं छोटा मोटा होता है हम लोग जाके देख रहे हैं। सर यहाँ रोडेबाजी हम लोग देख रहे हैं, जो भी है देख रहे हैं, ऐसा भी इलेक्शन देखे आप लोग पीसफुली चल रहा है 27-8 में, 1-2 में हम लोग देख रहे हैं। सर रोडेबाजी की बात सामने आ रही है सर, यहाँ जो भी है वो देख ले रहे हैं ना, वही तो हम देख रहे हैं फील्ड में। हम लोग सब शांतिपूर्ण है, चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो रहे हैं, उसको हम लोग इंश्योर कर रहे हैं सुबह भरमल से। सर जानकारी क्या मिली सर आपको? कुछ पता चला कि कुछ अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फौरन लोग पहुंचे, सब पे नियंत्रण होने। सर रोडेबाजी की बात आ रही है, जख्मी भी हैं? हम लोग देख रहे हैं, पूरा जाँच कर रहे हैं। कुछ घटनाएं हो रही है सर, छिटपुट घटनाएं भी हो रही है सर? जहाँ जहाँ शिकायत आ रही है प्रशासन वहाँ पहुँच करके उसको चेक कर रहा है, यही प्रयास है कि शांतिपूर्ण मतदान। सर यहाँ पे रोडेबाजी की बात सामने आ रही है, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर नालंदा से है, जहां बिहार शरीफ मुख्यालय के नगर निगम क्षेत्र इलाके में सुबह के 7 बजते ही मतदान शुरू हो गया।
बता दें कि नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 चुनाव के दूसरे चरण के 6 नगर निकायों में 401 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है। स्वच्छ एवं निष्पक्ष मतदान को लेकर 6 सुपर जोनल दंडाधिकारी और 35 जोनल दंडाधिकारी और 127 सेक्टर दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। वहीं सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं ताकि मतदाता बेखौफ होकर अपने मतों का प्रयोग सही तरीके से कर सकें। खबर नवादा से है जहां अग्निशमन विभाग के द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को आग से बचाव को लेकर जानकारी दी गई और उन्होंने बताया कि भोजन बनाने के पूर्व सिलेंडर की अच्छी तरह से जांच कर लें, गैस की गंध आने पर तुरंत घर की खिड़की खोल दें, भोजन पकाने के समय जुट बोरा एक बाल्टी पानी बालू तथा पानी किचन में जरूर रखें। वहीं नुक्कड़ नाटक में कलाकारों ने आग पर काबू पाने के कई तरीके बताए। बता दें इस मौके पर अर्जुन सिंह, विदेशी पासवान, पुष्कर कुमार, अभिषेक अमन सहित अन्य कलाकार मौजूद रहे। खबर नवादा से है जहां जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के सवैया गोपालपुर गांव में दरवाजे पर पशु जाने को लेकर हुए विवाद में चचेरे भाई ने भाई और भतीजे को मारपीट कर जख्मी कर दिया, जिसके बाद घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बीच बचाव करने आए बेटे के साथ भी जमकर मारपीट की गई। क्या मामला? बाछी मेरा था सर, खुल के उसके दरवाजे पर चल गया और जब लाने गए तो चाचा को मार के गिरा गया दिया और उसके बाद जब निगम कुमार गया, हमारा भाई लगता है चचेरा, वो जब गया तो उसको भी मारने लगा। सब बाल बच्चे मिल के मारा है। कौन मारा है? मारा है आदित नारायण सिंह, उसके सारा परिवार, मैंने लेडीज भी थी। मतलब आपका जाबर खुल के गया इसीलिए? जी। कौन सा गाँव का घटना है? सवैया गोपालपुर सर। थाना अकबरपुर। क्या नाम है उनका? निगम कुमार। और इनका? सचिदानंद प्रताप सिंह। छोटी विकास सौरव कुमार गौरव गौरव और पुलिस को मुगल बोलते हैं। जानवर खबर नवादा से है जहां हिसुआ थाना क्षेत्र के चित्रघटी पंचायत के बेलारू शिव मंदिर के पास झाड़ी से पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया। वहीं थाना अध्यक्ष मोहन कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बेलारू शिव मंदिर के झाड़ी में शराब छिपा हुआ रखा हुआ है। वहीं ASI संजय सिंह ने दल बल के साथ पहुंचकर विभिन्न कंपनियों के भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की 141 बोतलों को जब्त किया है। खबर नवादा से है जहां नवादा के रोह प्रखंड के पचोहिया गांव में सकरी नदी के किनारे चल रहे अवैध शराब की भट्टी को मुखिया व ग्रामीणों ने मिलकर नष्ट कर दिया। इसके अलावा शराब बनाने के बर्तन और कई उपकरणों को भी बरामद कर ग्रामीण अपने साथ ले गए। वहीं मुखिया व ग्रामीणों द्वारा चलाए गए इस अभियान से जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है और शराब माफियाओं में भी खलबली मची हुई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शराबबंदी पे हम मोहारी पंचायत के पचोहिया गांव में नदी किनारे बहुत सा दारू का चुहा हो रहा था। सारे ग्रामीणों ने कहे कि दारू बंद होना है। इसमें हम आगे बढ़ चढ़ के करीब 50 से 55 ग्राम महुआ का पासा था, जिसमें कि हम लोग 19 ग्राम कबाड़े हैं और बाकी तो सारे को नष्ट कर दिए हैं, जिसमें 4 तसला, चुहाने वाला मशीन, सिलेंडर गैस, सारा समाज के बीच ला करके रखे हुए हैं। से हम 25 साल से मुखिया हैं।
खबर रोहतास से है, जहां बढ़ते ठंड को देखते हुए माता देवरानी चिकित्सालय एवं अंसार कॉन्फ्रेंस के संयुक्त अभियान के तहत कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया और जरूरतमंदों व असहायों को कंबल वितरण किया गया। बता दें इस दौरान डॉक्टर निर्मल सिंह कुशवाहा और अंसार कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष मुमताज अंसारी के साथ कई लोग शामिल रहे। गरीबों के लिए अंसार कॉन्फ्रेंस की तरफ से कंबल वितरण किया गया है, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। अंसार कॉन्फ्रेंस को कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं, लगातार 8वां साल हो रहा है। मैं डॉक्टर निर्मल कुमार, मैंने भी इसमें 60 कंबल दिया है ताकि गरीबों को जाड़े में राहत हो सके और इस जाड़े का वो लोग कंबल से फायदा उठा सके। कितने कंबल बांटे गए होंगे? करीब करीब 100 कंबल बांटा गया, जिसमें मुमताज जी ने अपने अपने लोगों के सहयोग से 35-35 कंबल 40 बांटे और 60 कंबल मैंने दिया। बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे।